आखिर क्यों हनुमान जी को लेना पड़ा पंचमुखी अवतार, क्या था उस पंचमुखी अवतार की विशेषताएं और आखिर ऐसा क्या था पंचमुखी हनुमान में, आज की इस खास वीडियो में हम यही जानेंगे। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहें। दोस्तों, राम भक्त हनुमान जी के पंचमुखी अवतार पांच दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक मुख में एक मुख, तीन नेत्र और दो भुजाएं हैं। परंतु हनुमान जी ने पंचमुखी रूप क्यों धारण किया, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये कड़ी समर्पित है हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप को। तो चलिए जानते हैं इस खास अवतार के बारे में। दोस्तों, राम और रावण के मध्य युद्ध समाप्त होने वाला था। उधर रावण को ज्ञात हो गया था कि उसकी पराजय निश्चित है। तब उसने अपने भाई अहिरावण को स्मरण किया। अहिरावण एक ज्ञानी पंडित, तंत्र मंत्र का ज्ञाता और माँ भवानी का भक्त था। विभीषण को ज्ञात हुआ कि रावण अहिरावण को बुला रहा है तो वो चिंतित हो उठे। उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण की सुरक्षा का भार हनुमान जी को सौंप दिया। लंका में सुहेल पर्वत पर स्थित राम लक्ष्मण की कुटिया थी। हनुमान जी ने कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना दिया। अहिरावण और उसका भाई मही रावण दोनों ही राम लक्ष्मण का अपहरण करने आए, परंतु हनुमान जी द्वारा बनाए गए सुरक्षा घेरे को पार करना उनके लिए संभव नहीं था। तब मही रावण ने विभीषण का रूप धारण कर कुटिया में प्रवेश कर लिया और दोनों राम और लक्ष्मण का अपहरण कर पाताल लोक ले गए। दोस्तों, जब राम और लक्ष्मण की खोज में हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे, जहां द्वारपाल ने हनुमान जी को प्रवेश करने से रोक दिया। उसने कहा कि अंदर प्रवेश करने के लिए हनुमान जी को पहले उससे युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध के दौरान हनुमान जी को ज्ञात हुआ कि उनकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था। यद्यपि विजय हनुमान जी की ही हुई, परंतु उसकी शक्ति से हनुमान जी बहुत प्रभावित हुए। तब उन्होंने उससे पूछा कि वह कौन है। तब उन्होंने बताया कि वह हनुमान पुत्र मकर ध्वज है। जब हनुमान जी ने पाताल लोक में प्रवेश किया तो देखा कि अहिरावण ने पांच दीप माँ भवानी के लिए प्रज्वलित किए हुए हैं। मंदिर में अलग अलग स्थान पर पांच दीप प्रज्वलित थे। हनुमान जी ने राम की रक्षा हेतु भवानी से प्रार्थना की। माँ भवानी ने प्रार्थना का उत्तर देते हुए कहा कि यदि ये पांच दीप एक साथ बुझा दिए जाए तब क्रूर दैत्य अहिरावण का नाश हो जाएगा। जब अहिरावण और महिरावण राम लक्ष्मण की बलि चढ़ाने भवानी मंदिर में आ रहे थे, तब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया, जिसमें पूर्व दिशा में हनुमान मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, उत्तर में वराह मुख, दक्षिण में नरसिंह मुख और आकाश की ओर हिरण्यग्रीव मुख था। और इस प्रकार अपने पांच मुखों से हनुमान जी ने उन पांच दीपों को बुझाकर अहिरावण का वध किया और राम और लक्ष्मण को सुरक्षित वापस लेकर आए। और दोस्तों, इस प्रकार से हनुमान जी के इस रूप की पूजा की जाने लगी, जिसमें पांच विभिन्न शक्तियों का समावेश है। इसी कारण हनुमान जी के इस रूप को बहुत शुभ और शक्तिशाली कहा गया है। साथ ही अपने पंचमुख अवतार के कारण ही हनुमान जी भगवान राम की रक्षा करने में सफल होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।